नेक्स्ट वी विल टेक अप फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। फाइबर्स और फैब्रिक जो है किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। द फ्लीस इज कॉम टू रिमूव एज फार एज पॉसिबल द बर्ड्स टाइनी नोट्स। फ्लीस जो है मतलब उनके जो बाल हैं उनको कॉम्बिंग की जाती है, कंघी की जाती है, ताकि उसमें से टाइनी नोट्स जो हैं छोटी छोटी गांठें जो है वो निकाली जा सके। तो जितनी कम गांठें होंगी उतनी ही बेटर क्वालिटी की हमारे पास वूल आएगी। आफ्टर कॉम्बिंग द फाइबर्स ऑफ द वूल आर अनटैंगल्ड। उसके बाद उनको अनटैंगल किया जाता है, मतलब उनकी गांठें जो है पूरी तरह से निकाल दी जाती है। ड्रॉन टू स्ट्रेटन दैम, उसके बाद उनको स्ट्रेट किया जाता है। देन स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर, उसके बाद उनको ट्विस्ट किया जाता है, धागों को इकट्ठा ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। द यार्न इज वूंड ऑन स्पूल, दिस यार्न कैन बी यूज फॉर निटिंग। अब ये जो यार्न तैयार किया गया है उसको निटिंग के लिए, बुनाई के लिए तैयार किया जाता है, उसका कपड़ा जो है फैब्रिक उसको बना लिया जाता है। द वूलन फाइबर कैन बी ब्लीच, उसके बाद जो वूलन फाइबर है उसको स्पिनिंग के बाद आप ब्लीच भी कर सकते हो, मतलब उसको रंग जो है उसका फेड अवे कर सकते हो, या फिर उसको डाई करके नया कलर उसके ऊपर चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ वूल। वूल जो है किस क्वालिटी की होनी चाहिए। द गिवन सैंपल जो है वूल का, कोई भी सैंपल आप किस तरीके से उसको जज कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन इज द थिनर द फाइबर द बेटर इज़ द वूल। जितना पतला उसका धागा होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी की वो वूल होगी। ए वूल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इज़ मोर क्रिम्पी। जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वूल होती है वो ज़्यादा क्रिम्पी, मतलब करली होती है। फाइन वूल हैज़ शॉर्टर फाइबर लेंथ। जो अच्छी क्वालिटी का वूल का धागा है उसकी लेंथ जो है वो छोटी होती है, 4 से 12 सेंटीमीटर तक की। नेक्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। वूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब दिखने में, हाथ लगाने में उसकी स्मूथनेस कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का वो कपड़ा होना चाहिए। स्मूथनेस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वो वूल होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका मतलब क्या है कि जितना आप उसको पुल कर सकते हो, खींच सकते हो, उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हाई होनी चाहिए, मतलब 70% तक अगर आप पानी में उसको डिप करके रखोगे तो वो उसकी 70% तक उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब वूल जो है अच्छी क्वालिटी की वूल जो है 1/3 ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर एक ग्लास पानी ले रहे हो तो उसका 1/3 हिस्सा जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। वूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर वन इज़ एक्शन ऑफ हीट। हीट का एक्शन कैसा होता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है वूल का कलर जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ईजिली बर्न नहीं करता है। तो जहाँ पे जो ज़्यादा शीप जो है, जो ज़्यादा गर्मी के एरिया में रहती हैं, वहाँ पे उनकी शीप की वूल का कलर जो है वो येलोइश हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस का क्या एक्शन है, इट डिज़ोल्व इन एसिड्स एंड एल्कलाइज। तो ये एसिड और बेसिस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है। एक्शन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स का एक्शन क्या है, द फाइबर कैन बी ब्लीच्ड विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जो धागा है अपनी ताकत को लूज़ किए बिना, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ किए बिना उसको हम ब्लीच कर सकते हैं, उसका कलर जो है फेड अवे हो सकता है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएटिंग सिल्क एंड वूल फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। नकली फाइबर जो है उसमें से हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो कि सिल्क कौन सी है वूल कौन सी है, वो कैसे करेंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू डिफ्रेंशिएट सिल्क एंड वूल फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। कलेक्ट सैम्पल ऑफ सिल्क एंड वूलन एंड आर्टिफिशियल क्लॉथ एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखाई गई है जो आप कर सकते हो। इंश्योर द सिल्क एंड वूल आर प्योर एंड नॉट आर्टिफिशियल, जिससे ये पता चलता है कि जो सिल्क और वूल है वो आर्टिफिशियल नहीं है, प्योर है। उसके लिए क्या एक्टिविटी कर सकते हैं आप, नंबर वन इज़ लस्टर, मतलब उसकी चमक। लुक एट द सैम्पल अगेंस्ट लाइट, लाइट की तरफ उस सैम्पल को करके देखिए। सिल्क एंड आर्टिफिशियल फाइबर आर लस्टरस वेयर एज वूल इज नॉट। सिल्क और आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो चमक वाले होते हैं और वूल चमक वाली नहीं होती है। नंबर टू इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वूल जो है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, आपको क्या करना है, एक बैंगल के आसपास एक कपड़ा जो है वो लपेट के रखना है, उसके सेंटर में अगर आप पानी की ड्रॉप डालते हो आपको ये पता चलेगा कि कितनी जल्दी पानी जो है उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। सिल्क इज लेस देन दैट एंड आर्टिफिशियल फाइबर इज लिटल। सबसे ज्यादा वूल जो है पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, सिल्क उससे कम और आर्टिफिशियल फाइबर जो है सबसे कम पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्निंग। बर्निंग विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट प्लेस अ सैम्पल ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को आप बर्न करोगे फ्लेम में, आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो फटाफट से बर्न कर सकता है, लेकिन सिल्क और वूल जो है उसको टाइम लगता है बर्निंग में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 डिस्कस हो गया। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, बैक एक्सरसाइज। तो बैक एक्सरसाइज पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क स्टार्टिंग फ्रॉम द सिल्क मोथ कॉल्ड। जो पूरा सिल्क ऑब्टेन करने का प्रोसेस है सिल्क मोथ से शुरू होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। द स्लीपिंग पीरियड ऑफ सिल्क वॉर्म इज डैश। स्लीपिंग पीरियड, सिल्क वॉर्म जो है कितने समय के लिए सोता है, 24 आवर्स, 24 घंटों के लिए।
द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वूल डिपेंड अपॉन द डैश ऑफ द शीप. शीप किस ब्रीड की है उसके ऊपर हमारी वूल की क्वालिटी और क्वान्टिटी डिपेंड करती है. क्वालिटी मतलब वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब कितना अच्छा वो कपड़ा फैब्रिक जो है काम करेगा, और क्वान्टिटी मतलब कितनी ज़्यादा नंबर्स में उसमें से वूल ऑब्टेन होगी, कितने केजी उसमें से वूल ऑब्टेन होगी. द थिनर द फाइबर द डैश इज दी वूल. जितना पतला फाइबर होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी की वूल होगी. वूल हैज़ डैश टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींच, उसको हम कितना खींच सकते हैं कपड़े को, तो उसकी क्या है वूल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है. वूल डिजोल्व इन डैश एंड डैश. वूल किस में डिजोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है एसिड्स और अल्कलाइज, मतलब एसिड्स एंड बेसिस में. आगे मैचिंग है हमारे पास मलबरी. मलबरी क्या है हमारे पास, द बेस्ट फीड फॉर सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के लिए सबसे अच्छा खाना मलबरी का होता है, मलबरी के पत्तों का खाना उसके लिए बेटर है. ऑर्गेन्जाइन. ऑर्गेन्जाइन क्या है हमारे पास, लेंथवाइज थ्रेड. जो लेंथवाइज थ्रेड हम सिल्क का लेते हैं उसको ऑर्गेन्जाइन बोलते हैं. ट्रैम जो है क्रॉस वाइज थ्रेड है. कॉम्बिंग. कॉम्बिंग का मतलब क्या है, रिमूव बर्स फ्रॉम फ्लीस. फ्लीस में से गांठों को निकालना. वेइंग, टू सॉक सिल्क इन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट में सोल्यूशन को सॉल्ट के सोल्यूशन में सिल्क को जब डिप करके रखते हैं तो उसका वेट जो है बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेइंग. तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. क्वेश्चन नंबर वन इज नेम टू एनिमल फाइबर सूटेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स फैब्रिक्स. फैब्रिक बनाने के लिए दो तरह का एनिमल फाइबर के नाम बताने हैं, कौन कौन से, सिल्क एंड वूल. वट इज़ ए लार्वा, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनिमल फाइबर्स. लार्वा क्या होता है और एक एग्जाम्पल बताना है एनिमल फाइबर के सोर्स में से जो मिलता है. ए लार्वा रेफर्स टू अ फेस ऑफ एन एनिमल लाइफ साइकिल डैट अकर्स बिफोर मेटामोर्फोसिस. मेटामोर्फोसिस मतलब बॉडी में चेंजेस आने के पहले जो एनिमल का लाइफ साइकिल का एक फेस होता है उसको लार्वा बोल देते हैं. एग्जाम्पल क्या है, सिल्क वॉर्म इमर्जिंग फ्रॉम द एग लेड बाय द फीमेल सिल्क मॉथ इज इन इट्स लार्वल स्टेज. जो फीमेल सिल्क वॉर्म में से, सिल्क मॉथ में से अंडे के बाद जो उसकी बॉडी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी लार्वल स्टेज बोल देते हैं. नेक्स्ट इज वट इज़ अ केकून ऑफ वट इज इट फॉर्म्ड. केकून क्या होता है और ये किस चीज़ का बनता है. सॉफ्ट कवरिंग ऑफ सिल्क थ्रेड. सिल्क थ्रेड की सॉफ्ट कवरिंग जो है डैट इज स्पन बाय एन इंसेक्ट. एक इंसेक्ट जिसको बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है केकून. तो ये किससे बनता है, एक सॉफ्ट सिल्क थ्रेड से. नेक्स्ट इज वट डू यू मीन बाय द थ्रोइंग ऑफ सिल्क. थ्रोइंग ऑफ सिल्क का क्या मतलब है. थ्रोइंग ऑफ सिल्क और सिल्क थ्रोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग थ्रोन सिल्क बाय ट्विस्टिंग द रॉ सिल्क. रॉ सिल्क को बार बार ट्विस्ट करने से, उसके धागों को लपेटने से जो सिल्क बनता है उसको थ्रोन सिल्क बोलते हैं, और इस प्रोसेस को थ्रोइंग सिल्क बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज शीप शेयरिंग. हाउ मेनी टाइम्स अ शीप जनरली शॉन इन इंडिया. शीप शेयरिंग क्या है और इंडिया में शीप जो है कितनी बार शॉन की जाती है. शीप शेयरिंग क्या है, शीप के बालों की कटिंग. फ्लीस ऑफ फ्रॉम दी बॉडी, उसके बालों की कटिंग करना. तो इंडिया में ये ज़्यादातर एक साल में दो बार की जाती है, और जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर तीन तीन बार भी की जाती है. नेक्स्ट इज विच इज़ द बेस्ट सीजन फॉर द मेटिंग ऑफ शीप. शीप्स की मेटिंग के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है, स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन इज बसंत का मौसम. नेक्स्ट वट आर वॉश्ड वूल, क्लिप्ड वूल एंड पुल्ड वूल. वॉश्ड वूल कौन सी होती है, जिस जो शीप को बार बार डर्ट रिमूव करने के लिए बार बार शीप को वॉश किया जाता है वो वूल होती है वॉश्ड वूल. क्लिप वूल होती है जो जिंदा शीप में से वूल निकाली जाती है, और पुल्ड वूल होती है जो मरी हुई शीप से निकाली जाती है. नेक्स्ट बी पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस मोल्टिंग इन सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म में मोल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है. मोल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ अ लार्वा. लार्वा जब ग्रो करता है और मैच्योर करता है सिल्क वॉर्म में, उसको मोल्टिंग बोल देते हैं. ड्यूरिंग मोल्टिंग अ सिल्क वॉर्म स्लीप्स फोर टाइम्स. ये चार बार उस दौरान सिल्क वॉर्म सोता है. वाइल इन इट्स फीडिंग एंड स्लीपिंग पीरियड इट्स स्किन क्रैक्स. तो जब ये फीड करता है, खाना खाता है और सोता है, तो उस दौरान इसकी स्किन जो है, चमड़ी जो है, क्रैक हो जाती है, उतरने लगती है. व्हेन द लार्वा अवेकन्स, जब ये लार्वा जाग जाता है, इट लीव्स दी ओल्ड स्किन. तो ये अपनी पुरानी स्किन को उतार देता है और नई स्किन उसके ऊपर आ जाती है. तो इसी प्रोसेस को, पुरानी स्किन को झाड़ना, उस प्रोसेस को बोल देते हैं मोल्टिंग. वट आर दी रो सिल्क एंड स्पन सिल्क. रो सिल्क और स्पन सिल्क क्या होती है. द फिलामेंट ऑफ फाइन केकून आर यील्ड टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड. केकून के अच्छे फिलामेंट जो है उसको बना करके अच्छा थ्रेड बनाया जाता है, जिसको रो सिल्क बोल देते हैं. और जो डैमेज खराब केकून से सिल्क प्रिपेयर की जाती है वो होती है स्पन सिल्क. नेक्स्ट वाई इज़ द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द शीप नेसेसरी इन इंडिया. नेम थ्री एक्जॉटिक ब्रीड्स विद विच क्रॉस ब्रीडिंग इज डन इन आवर
कंट्री। क्रॉस ब्रीडिंग हमारे देश में करनी ज़रूरी क्यों है, और कुछ किस्मों के नाम बताने हैं आपने। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ शीप इज़ नेसेसरी इन इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द वूल। वूल की अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वान्टिटी को हासिल करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है। नेटिव शीप आर क्रॉस ब्रीड विद द एक्जोटिक ब्रीड्स टू यील्ड बेटर वूल। अच्छी क्वालिटी की ब्रीड लेके आने के लिए उनको एक्जोटिक ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है। तो तीन किस्में के नाम जो यहाँ पे लिखे गए वो है मेरिनो, रेम्बोलेट एंड डोरसेट। सी पार्ट इज डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। ये चैप्टर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो क्या है कि एक तो ये कि ज़्यादा टेम्परेचर ये जो है उसमें रह सकती है, उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन उसको आग नहीं लग सकती, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट गेट डिजोल्व इन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस में ये डिजोल्व हो सकता है। तीसरा इज इट्स फाइबर कैन बी ब्लीच विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। इसका धागा जो है उसको ब्लीच किया जा सकता है बिना किसी लॉस के। तो ये हमने कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।